साथ जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके अपने हकूक की तो जनाब ना तो उनका माजी ठीक रहा, ना इस वक्त हाल ठीक है, और मुस्तकबिल की तो बात ही ना करें। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इन साथ की क्या है कहानी कि इन्होंने स्कूल छोड़े, कॉलेजेस छोड़े और ये सड़कों पे आके धरना दे रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार ये सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसे क्या मुतालबात हैं कि जो पूरा करवाने के लिए इन्होंने घर बार ही छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। तो आइए जनाब, आप भी चलिए मेरे साथ। ये तमाम साजा हैं जिन्होंने अपनी सारी काबिलियत जो है वो आवाम की खिदमत में सर्व कर दी। अब इनके क्या मुतालबात हैं इनसे ही जानते हैं। सर क्या चाहते, क्या हैं आप? देखें, हमारे मुतालबात असाज़ा के मुतालबात और सरकारी मुलाज़मीन के जो मुतालबात है वो लीव इनकैशमेंट का मुतालबा बहुत बड़ा मुतालबा है, जो कट लगा दिया गया है। एक बंदा रिटायर होता है मई में, उसको 28 लाख रुपया दिया जाता है, और एक बंदा रिटायर होता है अगस्त में और उसको 12 लाख जब दिया जाता है। पिछले माली साल और इस माली साल के फ़र्क से लाखों रुपया जब डूब गया है असाज़ा इकराम का। वो असाज़ा इकराम जो पेंशन लेकर, जो ग्रेजुएटी लेकर अपने बच्चों का शादियां करना चाहते हैं, अपने घर मकान बनाना चाहते हैं, वो उन पे कट लगा दिया गया है। उनके पेट पे जो है, उनके पेट पे टांग मार दी गई है, उनको जलीलो खार किया जा रहा है। असाजा को सड़कों पे जलीलो खार जब किया जा रहा है। हजूर, आप तो पिछले दिनों में भी यही नजर आ रहे थे हमें। अच्छा, देखे देखे, ये 5 लाख मुलाजमीन है। हाँ। मोहसिन नकवी ने ये जो काम किया, ये गैर आईनी किया, उसके इख्तियार में ये नहीं है कि वो रूल्स के अंदर तब्दीली लाए। ही इज अ केयर टेकर गवर्नमेंट। ये कैबिनेट काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता, मगर हम लोग अपने स्ट्रेटजी में क्लियर है, अपने टारगेट में क्लियर है, और हम मिताली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है, हम अपना नतीजा लेके यहाँ से जाएंगे। लिव इन कैशमेंट की कटौती ना मंजूर, ते साडा हक एथे रख। पैन तुसी ओही हो ना जो पिछले दिनों में भी एथे सी, तुहाडे को हक रखवाया नहीं गया। ओ जेड़ा हक सी ओ सी लै गया सा, ओ 35% तनखा सी, साडे 17% पेंशन सी, जेड़े बगैर हुकूमत ने घट करती थी, ओ सी आता हक लै गया सी। ना नु 10 भी गया सा, अगर तू ही दूसरा हक ना दिता, असी फिर आवांगे, असी फिर आ गए, ओ इंशाल्लाह ताला असी अपना लै के जावा। एक मुल्क दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। सर ने ये कहा कि कफन पहन के आ गए हो तुसी? हम कफन पहन कर आ गए हैं, ये हम कफन सीएम को पहना के जाएंगे। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम नहीं खोलेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। किसी दफातर के सामने हमने धरने दिए हुए हैं। जनाब, खवातीन, बूढ़े और जवान यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, सब है परेशान, स्टेज के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हम इनके जो रहनुमा हैं, जो इनका लहू को मार रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ एपका के सदर मुख्तार गुज्जर साहब मौजूद है। सर, गुज्जर के भजन बड़क मार देने, अपने काम करा लेते हैं, तुम बार बार सड़कों से आते हो, तुम्हारे काम पूरे नहीं हो रहे, वजह की है? सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल कर रही है, हमारा लिव इन कैशमेंट
खत्म कर दिया गया जो 70 साल से मुलाजम ले रहे थे। एक मुलाजम को रिटायरमेंट पे ये उम्मीद होती थी कि मुझे 10-12-14-15 लाख मिल जाएगा, किसी बच्चे की शादी कर लूँगा, कोई बेटी का कोई बेटे का ब्याह लूँगा, कोई अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो यकसर ख़त्म कर दिया। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला जब तक ये बेहिस हुक्मरानों तक, बेहिस ब्यूरोक्रेसी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच जाती, जब तक ये सुन नहीं लेते, हमें बुला नहीं लेते, हमारे मुतालबात हल नहीं कर देते, तब तक इंशाल्लाह ये लोग एक महीने का राशन लेके यहाँ पे बैठे। वाह 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 जनाब, यहाँ पर तमाम रहनुमा मौजूद हैं, ये इनके स्टेज के ऊपर किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो सर लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तुसी गले से सारी सब्जी टंगी है, फ्रिज से कुछ नहीं छट गया घर। ये जो हमने हार जो है सब्जियों का हार पहना हुआ है, ये हम अपनी गुरबत का इजहार कर रहे हैं, हम अपने आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदारा ये गवर्नमेंट जो है हमारे पर जो जुल्म कर रही है, वो जिस मुसल्लत की गई है, खुदारा हमारे बच्चों का जो आखिरी सारा पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, LPR है, उस पर रैंप खाया जाए, पूरे सरकारी मुलाजिम पर जो है वो रैंप खाया जाए। बड़ी आपने सिमेट्री बनाई हुई है, आपने जनाब कद्दू के मुकाबले में कद्दू रखा हुआ है, प्याज के मुकाबले में प्याज रखा हुआ है, आप समझते हैं चीजों को? जी मैं ये समझना जरूर समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इस वक्त कद्दू का काम कर रही है और हमारे साथ प्याज का काम कर रही है, ये हमें भून कर जो है वो खा जाना चाहती है, लेकिन हम इसको हुकूमत को ऐसा नहीं करने देंगे और अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे। तुसी हाजी साहब सब्जी टंगे लाए हो घर, भाभी हांडी मकान तू बैठे ने। सर जी अगे भी कितो रोटी मिलती गरीब बंदे नू, अगे कितो रोटी मिलती पई है, ए रोटी मिलती है प्रोफेसर ए टीचर ए क्लर्क एक क्लास फोर मुलाजमीन, मैं भी क्लास फोर मुलाजमीन हाँ, इसी लौट का मैं नुमाइंदा वा। अगर लीव कैशमेंट साढ़े जी पेंशन रूल है कट ना लाते हल देखते, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारती है, लेकिन बेचारी इतनी मजबूर है कि सड़कों के ऊपर बैठी हुई है। मैडम क्या हो गया ऐसा, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसे काटने दें इनको। ऐसी नामुमकिन बात है कि ये हमारा खून चूसे और हमारे बच्चों का खून चूसे और हमारे ही टैक्सी से ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएं, ये नामुमकिन बात है। क्या नकवी साहब किसी माँ की पैदाइश नहीं है? क्या इसको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया कि आज जो हम माए बहने बेटियां बाहर निकली हैं, इस बंदे को शर्म आनी चाहिए कि आज इसने मजबूर कर दिया है कि हम लोग रोड पे आ जाए और ये जब हम 25-30 साल बाद बुढ़ापे की तलीस पे खड़े हैं और रिटायर होने जा रहे हैं, तो आप क्या हम लोगों के घरों में बर्तन धोएंगे? हमने जो एजुकेशन हासिल की है क्या करेंगे हम? हमारा इतना बड़ा कट लगा दिया है कि जहाँ एक बंदे को 35,000 रुपया वो उसकी पेंशन बननी थी, अब जस्ट 12,000 रुपया पेंशन मिलेगी। आप मुझे बताएं क्या आप 12,000 रुपये खाना पका सकते हैं? 12,000 रुपये पूरा महीना आप दवाइयाँ आप बिल तार बिल दे सकते हैं? आप 12,000 रुपये क्या कर सकते हैं मुझे बता दें? इतनी मामूली रकम इन्होंने कर दिया, क्या इन्होंने अपने सारे अखराज जिससे भी बात कर रहे हैं आगे से वो दुख ही सुना रहा है। आगे बढ़ते हैं, किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं।